शिमला में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव अनिल कुमार मंगेट ने शिमला में पार्टी की तरह से ये दावा पेश किया है, जया पार्टी की तरफ से ये दावा पेश किया है कि अनिल ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार और अगले विधानसभा चुनाव में भाग लेकर वे सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में पिछड़े एससी ओबीसी समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने की दिशा में वे काम करते रहेंगे, साथ ही उनके लिए काम करने की प्रतिबद्धता भी अनिल मंगेट ने जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह महंगाई आसमान छू रही है, हमारी सरकार बनने पर जनता को उससे भी दिलाने की दिशा में भी प्रयासरत होंगे। जी अनिल जी, आज आपने प्रेस वार्ता के लिए क्या उद्देश्य था, संक्षेप में बताएं। सबसे पहले तो मैं मेरा नाम अनिल कुमार मंगेट है और पेशे से वकालत करता हूं। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जो भारतीय संविधान और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से नसीब महिलाओं को एक मान सम्मान जीवन मिला है, महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते थे कि हाल ही में मुझे एक दिन पहले ईमेल के माध्यम से सूचना मिली कि आपको प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी नियुक्त किया जाता है। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से अपने सभी भाई बंधुओं को भी कहना चाहता था कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बहुत ही गहरी विचारधारा है, मानवता इंसानियत को मानने वाली विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी का मूल उद्देश्य है कि भारतीय संविधान के दायरे में रह करके समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, एक ऐसा समाज हो जिसमें सभी लोग खुशी रहे, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव से सारे मूलभूत सुविधाएं दी जाए। और मूलभूत सुविधाओं दे करके जब हमारे समाज का हित होगा, लोगों का हित होगा, तो सभी बहुजन समाज के लोग सुखी रहेंगे। बहुजन समाज से हमारा मतलब है कि ऐसा समाज जो सदियों से अन्याय सह रहा है, शोषण सह रहा है, पीड़ित है, जाति के आधार पर जिनके साथ भेदभाव हुआ या जनसंख्या के आधार पर जिनके साथ भेदभाव हुआ, जिनके ऊपर अत्याचार किसी भी प्रकार के हुए, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे शोषित समाज है, गरीब लोग है, तो उन सभी लोगों को मिला करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और देश का गरीब जनता,